मैं आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर पानी वाला ऑमलेट। पानी वाला ऑमलेट आपने घी में खाया, तेल में खाया, बटर में खाया, ऑयल में खाया एंड देसी घी में खाया, मगर मैं आपको खिला रहा हूँ ये पानी। सर आप पानी पीना पसंद करेंगे? बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, मतलब देख के समझ लीजिए इसका जो स्वाद का नशा है ना वो होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक है खाओ, कैमरा बंद कर रहे हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग, मैं आपको अपना पीयूष। तो आप सोच रहे होंगे मैं पुरानी दिल्ली कैसे आ गया था। पुरानी दिल्ली का सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम्हारे भाई ने ले लिया फोन, फोन हो गया था गुम, ये लिया हम गए थे द्वारका, सेकंड हैंड ही लिया, कुछ नया नहीं लिया। तो ये हमने लिया मेन पर्पज स्टोरेज के लिए और थोड़ा सा इंस्टा अपडेट्स के लिए। तो हमें लग गई वहाँ पर भूख, और भूख लगी हमने किया आमिर भाई को फ़ोन, और आमिर भाई आए और मैं आया, हम लोग आ गए कुछ ऑमलेट वगैरह खाने। तो आमिर भाई आओ। तो भाई पीयूष ने बताया कि पीयूष को लग रही है भूख, तो आज मैं ले जाने वाला हूँ पीयूष को, ये समझ लो कि इंडिया का सबसे बेस्ट ऑमलेट। दिल्ली का सबसे बेस्ट तो है ही, और मेरे हिसाब से तो मुझे इंडिया का बेस्ट लगता है वो। सही बताओ। बहुत पुराने हैं क्योंकि वो जहाँ पे हम जाने वाले हैं आज वो आज़ादी के टाइम के हैं। तो चलो देश तो आज़ाद हो गया, अब हमारे पेट को हम आज़ाद करें भूख हंगर से, है ना। हाँ। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पर और खाते हैं ऑमलेट, ऑमलेट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम लोग ऑमलेट खाने फटाफट। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सिकंदर ऑमलेट पे, तो अब चलते हैं फटाफट, अंकल जी तैयार कर रहे हैं और उसके बाद खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। उससे पहले चलिए आप देखिए बनते कैसे हैं, तो लेट्स सी। और आमिर भाई बाहर वेट कर रहे थे, हमने कहा चलो दुकान के अंदर थोड़ा चलते हैं। भाई वेट हो रहा है? भाई वेट क्या, भूख लग रही है क्योंकि तो ऑमलेट बनने का स्टार्ट होने ही वाले हैं। और ये वाले ऑमलेट मैंने, मतलब हमने यहाँ पहले भी आया हूँ मैं आज से 5 साल पहले, तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा क्रेव करा है मैंने इस ऑमलेट को, है ना। उसके बाद एक दो बार आया हूँ तो कोविड आ गया, फिर एनऑल ये सब रहा तो बंद मिला मुझे, एक दो बार आया हूँ मैं, तो यही है। तो आज कुछ स्पेशल ऑमलेट खाने वाले हैं हम, तो आप बने रहो। देखो अभी हम ऑमलेट के बारे में नहीं बता रहे कौन कौन से ऑमलेट खाने वाले और कौन कौन से लगवाने वाले, वो तो वीडियो में पता चलेगा टाइम के साथ। मैं आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर पानी वाला ऑमलेट। पानी वाला ऑमलेट आपने घी में खाया, तेल में खाया, बटर में खाया, ऑयल में खाया एंड देसी घी में खाया, मगर मैं आपको खिला रहा हूँ ये पानी। सर आप पानी पीना पसंद करेंगे? मैं आपको पानी भी वही पिला रहा हूँ जो मैं पी रहा हूँ खुद, ठीक है जी। बहुत सही गाइस, ठीक है जी। इसी ऐसे खोलते पानी के अंदर भी ऑमलेट आपने निखाए होंगे, मगर मैं आपको बना के और खिलाऊंगा और उसी पानी के अंदर बना के दिखाऊंगा सर। अब मैंने कुछ ऑयल तो नहीं डाला सर, आप देख रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू आप चेक भी कर रहे हैं इस चीज़ को, मगर इसको बनाना, इसको देना ये एक कला है। और इसके अंदर पानी दोबारा से डलेगा क्योंकि ये सिकाई भी होगा और उस स्वाद को दिखाया भी जाएगा अच्छी तरीके से। और सेकने के लिए मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, मैंने वही डाल रहा हूँ और वही बोतल है, और लास्ट में आपको पीने के लिए भी यही पानी दूंगा मैं आपको। भाई हो गया बहुत ज़्यादा इंतजार और हमारा आ चुका है पानी वाला ऑमलेट। पानी वाला डांस तो सुना होगा, पानी वाला ऑमलेट भी देख लो। तो चलो इसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट बताते हैं। 50 रुपीज़ में देख लो टॉपिंग कितनी ज़्यादा है जो कि आप वीडियो में देख चुके हो, और दूसरी चीज़ टेस्ट वो हम बताएंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तो चलो आमिर भाई टेस्ट करें। हाँ टेस्ट करते हैं भाई। चलो भाई समय हो गया है, बहुत देर से लगी थी हमको भूख, और अब लेते हैं इसको खा और बताते हैं टेस्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि विदाउट ऑयल जिम तो मैं करता नहीं, जो जिम जाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट हम भी ट्राई करेंगे भाई। फील ही नहीं हो रहा विदाउट ऑयल बनाइए, इतना बढ़िया टॉपिंग कर रखी है और इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है उसके बाद, मुझे लग रहा है मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ ऑमलेट छोड़ो। फील पिज्ज़े वाला फूड हेल्दी, समझ रहे हो, हेल्दी फास्ट हेल्दी फास्ट फूड। पर कोई नहीं हम इसको कर लेते हैं फिनिश। और हमने फिर क्या मंगवाई आमिर भाई? भाई अफीम वाले ऑमलेट, अफीम वाला ऑमलेट, समझ रहे हो। आज यहीं से झूमते हो जाएंगे घर तक, ये अफीम पूरी हांडी के अंदर। भाई देख के तो पानी आ गया मुँह में, अफीम नाम है और अफीम से मीन्स समझ रहे हो खाने का नशा, स्वाद का नशा। तो स्वाद देख के तो ऐसा लग रहा है भैया जी बस हम तो हो गए पागल, और हम इससे रुका नहीं जा रहा, आप रुकिए हम पहले फिनिश कर लें फिर वार्तालाप हमारी चलती रहेगी। तो भैया कैमरा आप रखिए साइड में और आ जाइए, बड़ा टूट जाइए ठंडा होने से पहले। वही सही कह रहा है पीयूष, देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, मतलब देख के ये समझ लीजिए इसका जो स्वाद का नशा है ना वो होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा ठीक है खाओ, कैमरा बंद कर रहे हैं।
भैया खा पी के तो अपन निकल लिया आगे की ओर। और भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ फोटोज़ हैं, पहले वो देखो फिर बात करते हैं आगे। भाई थोड़ा बहुत अगर ग्रेन सारे होंगे माफ़ करना उसके लिए। तो अभी हम लोग घर नहीं पहुँचे, दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग आ गए सदर थाना, जो कि हमारे सामने है वो रहा। अब आप सोच रहे होंगे मैं सदर थाना क्यों आया, तो आपने देखा मैंने नया फ़ोन लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा पुराना फ़ोन मिल जाता है तो उसका डाटा मेरे लिए ज़रूरी है, वो फ़ोन नहीं डाटा है ना। हाँ डेटा तो हमें चाहिए ही, क्योंकि डेटा इज़ मनी, और डेटा हमारे लिए तो मनी क्या, ब्लॉग है, यादें हैं और टाइम इज़ मनी, और वो डेटा बनाने में टाइम लगा। तो चलो फिर थाने के अंदर चलें, और अंदर शूट नहीं कर पाऊँगा उसके लिए माफ़ करना। भाई ये हम अपनी FIR लेके दिखा के भी आ गए, थोड़ा सा बुरा लगा, बुरा इसमें इसलिए कि हम लोग अंदर गए, हमने पूछा कि इसका क्या स्टेटस है, कुछ पता चला, उन्होंने ये देखा, इसमें नंबर देखा, और सीधा ना अंदर जाके पता किया ना कुछ किया, कुछ चेक नहीं करा, सीधा बोला पता नहीं वो टेलीपैथी के जरिए और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ कर रहे हैं कि पेपर देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि इसकी अपडेट आई है सिस्टम में या नहीं आई है। तो बिना सिस्टम बोले सीधा बोला को चेक करें कि भैया जब पता चलेगा तुम्हारे नंबर पे इस नंबर पे कॉल आ जाएगी, अभी प्रेस नहीं हुआ है, जब चालू हुआ तो मिल जाएगा। मैंने कहा चलो दिलासा दिया, दिलासा लेके घर चलते हैं, क्या करें। तो रात हो गया 10:30,